हाय गाइस, दिस इज़ हरबीर एंड वेलकम टू माय स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। तो फर्स्टली मैं उन सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने वीडियोस को शेयर किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गवर्नमेंट जॉब में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ पॉइंट्स हैं उनको बताएंगे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको हैरानी होगी कि जो आपने आज तक सीखा है उनको वो आपको गलत सिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि आपने सोचा होगा लिटिल होता है, जैसे आई हैव लिटिल वाटर। तो लिटिल वाटर का मतलब क्या है? थोड़ा पानी, हम अक्सर यही पढ़ते आए हैं, लेकिन ये होता नहीं है। मैं 100% बोल रहा हूँ ये नहीं होता। अगर हमारे पास सेंटेंस है कि आई हैव लिटिल वाटर, तो इसका मतलब है कि पानी है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा आज तक कि लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, तो ये गलत है। तो जैसा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनकी डिमांड थी कि गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाने वाले कुछ पॉइंट्स हैं उनको उनकी एक वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस वीडियो में आपको लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इसके बाद फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के यूजेस देखने को मिलेंगे। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपको कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर मिलेगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए। सो थैंक यू। हाय दोस्तों, आज हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के सही यूजेस करके बताएंगे यहाँ पे। क्योंकि आपने आज तक पढ़ा है कि लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, जैसे हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं आई हैव लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास थोड़ा पानी है, लेकिन वो गलत है। क्योंकि लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। हम सोचते हैं थोड़ा, लेकिन उसका मतलब होता है कि कुछ नहीं है ही नहीं। और ये आपको जानकर हैरानी होगी। तो अभी करते हैं हम, लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं, और इसके बाद जो हमारा ए लिटिल आता है उसका मतलब होता है कुछ थोड़ा, बहुत ही कम क्वांटिटी में, और इसके बाद आता है द लिटिल जिसका मतलब होता है जो कुछ थोड़ा, जैसे मेरे पास जो भी पानी था वो मैंने पी लिया। लिटिल कुछ नहीं, ए लिटिल कुछ थोड़ा, और द लिटिल जो कुछ थोड़ा। जैसे इसके बाद एग्जांपल है आपके पास, ही हैड लिटिल मनी, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, मतलब थे ही नहीं पैसे। और हम क्या सोचेंगे? लिटिल आ जाएगा कि थोड़े पैसे थे, लेकिन वो गलत है। ये क्या है? गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। इसके बाद है ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े पैसे थे। ए लिटिल आएगा, उसका मतलब हो जाएगा थोड़े, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम मात्रा में उसके पास, बहुत मतलब बहुत ही कम पैसे थे उसके पास। तो वहाँ पे आप ए लिटिल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत ही कम। और हम क्या पढ़ते हैं कि लिटिल का मतलब थोड़ा, लेकिन वो गलत है, कुछ नहीं होता है लिटिल का मतलब। शायद आपको आज तक पता नहीं होगा इसका। इसके बाद हम एक अलग और सेंटेंस देखते हैं, जैसे आपका ये सेंटेंस है ही हैड लॉस्ट द मनी, ही हैड मतलब उसके पास जो भी पैसा था वो उसने खो दिया। देन सम और एग्जांपल हैं इसके, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इनका भी यही मतलब होता है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान के चलो कि बोतल में हम बोल रहे हैं कि दिस बोतल हैज़ लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, हम क्या सोचेंगे? इसमें थोड़ा पानी है, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें पानी है ही नहीं, इसमें पानी नहीं है। मीन्स इसमें पानी नहीं है, और पानी नहीं है इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? लिटिल। और ए लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा। और द लिटिल अगर हमने लगा दिया तो द लिटिल का मतलब होगा कि जो भी पानी था वो हमने पी लिया, जो भी था पानी उसमें वो हमने पी लिया। तो ये ऐसे यूजेज होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और शायद हमें ये गलत बताए गए हैं। तो इनके जो सही यूजेज है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन मैंने जो एग्ज़ाम दिया था अपना, तो उस एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये भी उसी तरह, मतलब ये आ जाए ना, फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, तो इसका मतलब है कि है ही नहीं बिल्कुल। और फ्यू या लिटिल आ जाए मतलब है ही नहीं, और ए लिटिल आ जाए तो कुछ थोड़ा, बहुत ही कम क्वांटिटी में। द लिटिल आ जाए तो मतलब जो भी कुछ थोड़ा पानी था वो हमने खो दिया। जैसे अब हम यहाँ पे एक अलग एग्जांपल लेते हैं, लिटिल और फ्यू। फ्यू और लिटिल में भी कुछ अंतर होते हैं हमारे। लिटिल होता है थोड़ा, और फ्यू होता है कुछ, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह कुछ हमारी संख्याएँ हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो उसमें हम फ्यू का यूज़ करेंगे। और लिटिल मतलब जो हम चीज़ काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क हो गया और फ्यू पेंस वगैरह हो गए। तो थैंक यू।
दोस्तों आप सभी की डिमांड पे मैंने एक फ़नी चैनल बनाया है, एच सिंह इंटरटेनमेंट। और हाँ, अगर आप फ़नी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो चैनल आप ज़रूर देखें। और हाँ, एक छोटा सा ट्रेलर मैंने अभी इसमें डाल रखा है, वो भी आप देखें। वीडियो और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहाँ से आप वीडियो ले सकते हैं। थैंक यू। तुम तो सकल दे चोर लग रहे हो, ये देखो अक्षय कुमार। अरे नहीं, चोर तो मेरा भाई है, डॉक्टर गुंडा। ये देखो गुंडा बाबा। अरे गुंडा बाबा। हाँ ये भाई है। अरे हमारा क्या था उसमें, ये तो सुपारी लेता भाई, पार्टी दे दूँ इसको, मार देगा ये तो। भाई एक बात बताऊँ आपको, एक चुटकुला सुनाऊँ। एक दिन क्या हुआ, एक मेरा दोस्त था, बोल रहा कि भाई मैं बहुत दूर से हूँ, क्या मेरी शादी में आओगे। भाई मैं 35 किलोमीटर दूर रहता हूँ, बोल रहा था। अब मैंने कहा भाई मैंने तो 60-60 किलोमीटर दूर के भंडारे नहीं छोड़े, वो तो पनीर की बात है। भाई कैसे छोड़ दे।